उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग चौकी पर उस समय हड़कंप मच गया जब दो पक्षों में मामूली विवाद इतना बढ़ गया, दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव कर दिया। घटना की जानकारी चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मचारी ने कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल को देखकर पथराव कर रहे उपद्रवी फरार हो गए। पथराव की पूरी घटना की चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। आपको बता दें कि मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग चौकी के सामने एक ही समुदाय के दो पक्षों में चारा की बुग्गी रामगंगा नदी पर लेकर जाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव भी किया। पथराव की पूरी घटना चौकी पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो की मदद से पथराव करने वालों की पहचान कर रही है और आरोपी पर कार्यवाही की बात भी कह रही है। अगर स्थानीय निवासी रहीम की माने तो दो पक्षों में जंगल जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ। रहीम ने बताया कि यहां पर सड़क निर्माण का काम हो रहा है, दोनों ही पक्षों ने सड़क से पत्थर उठाकर एक दूसरे पर पथराव किया है। यहां मौजूद पुलिसकर्मी ने रुकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी दोनों ही पक्ष नहीं रुके और काफी देर तक दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। वहीं घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगल जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था और दोनों ही पक्षों में पथराव हुआ है, जिसकी जानकारी मिलते ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और इस वक्त स्थिति सामान्य है। वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर पत्थरबाजी करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मुरादाबाद से संवाददाता वाजिद अली की रिपोर्ट। मेरा नाम रहीम अख्तर है, वैसे गुड्डू कहते हैं। गुड्डू भाई, यहाँ लालबाग में क्या हुआ था अभी कुछ देर पहले? लालबाग में दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया, कुछ वहाँ की जंगल की जमीन के चक्कर में हुआ है और दोनों पक्ष की तरफ से सड़क पर काफ़ी अद्दा चौका है, इस वजह से यहीं से उठाया और यहीं पर खूब अद्दा चौका चला करीब आधे घंटे तक। आधे घंटे तक पथराव चला के, इसमें कोई घायल भी हुआ? हाँ, घायल भी हुए हैं कुछ लोग। अच्छा, तो इतनी देर में चौकी बिल्कुल पास में है, कोई पुलिसकर्मी या कोई बचाने की कोशिश करी पथराव रोकने का? एक ही पुलिसकर्मी थे उस टाइम पे मौजूद और वो क्या कहते हैं, काफ़ी मशक्क़त कर रहे थे कि ये मामला ख़त्म हो जाए, शांत हो जाए, मगर उनकी मशक्क़त जो है वो काफ़ी देर तक चल नहीं पाई और फिर पथराव काफ़ी बढ़ गया। और जैसा आप बता रहे हैं आधे घंटे तक पथराव होने के बाद, जैसे यहाँ पर और लोग रहने हैं, किसी के पत्थर वत्थर आके लगाया, चोट लगी? वैसे नुकसान हो गया, जैसे इनके सारे पापे थे ये नीचे आ गए और लोगों के पाइप टूट गए, जैसे नल के, और लोगों घर में अद्धा चौका भी गया। तो ये आधे घंटे तक पथराव हुआ, ये इतना चौके लाएगा से होंगे? ये सब सड़क पर ही पड़े हैं ना, ये सड़क खुदी थी, यहीं से उठाए लोगों ने और यहीं से काम कर दिया। लगभग पुलिस फोर्स कितने देर बाद आई? पुलिस फोर्स तो आ गई जब कहते हैं, उन्होंने जो पुलिस वाले थे उन्होंने इन्फॉर्म करा होगा कंट्रोल रूम को, तो पुलिस आ गई थी फौरन। जी सर, आप यहाँ मौके पर आए, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ तो एक ही समुदाय के दो लोग हैं जिनको बुग्गी को ले जाने को लेकर आपस में कहा सुनी हो गई, जिसके बाद यहाँ नदी के पार इस पार आए और कुछ नाली बन रही थी, नाली में कुछ ईंट पड़े थे तो एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। हालांकि कोई घायल तो नहीं है, लेकिन इनके घर पर दबिश दी गई, अभी सब फरार हैं। इसमें जो विधिक कार्रवाई बनती है विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.